समधन लूट हत्याकांड की घटना को खुलासा करने पर पुलिस प्रशासन कन्नौज को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी मंडल की टीम ने किया सम्मानित। पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने किया सम्मानित। लूट व हत्या की घटना के जल्द खुलासे को लेकर एसपी एसपी सीओ व कोतवाल प्रभारी जेपी शर्मा हुए सम्मानित। स्थानीय कोतवाली परिसर में उद्योग व्यापार मंडल ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। नौज समधन में सर्राफा व्यापारी से 5 जनवरी की शाम हुई लूट व हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा कोतवाली प्रभारी जेपी शर्मा की टीम ने बदमाशों से मुठभेड़ कर माल बरामद कर लिया था, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल हो गया था। घटना का जल्द खुलासा करने से व्यापारी में पुलिस प्रशासन के प्रति भरोसा जागा। व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को फूल मालाएं पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। रविवार देर शाम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी द्वारा स्थानीय कोतवाली परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह, क्षेत्र अधिकारी सदर कमलेश कुमार, कोतवाली निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा सहित उप निरीक्षकों व पुलिस कर्मियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इसके बाद पदाधिकारी ने पुलिस उच्च अधिकारियों को स्मृति चित्र व प्रशस्ति पत्र देकर उनकी सराहना की। इस दौरान संगठन के जिला महामंत्री सुशील दुबे, राम कुमार पाठक ने संयुक्त रूप से कहा कि पुलिस प्रशासन की कड़ी मेहनत के कारण लौटा हत्याकांड का जल्द खुलासा हो सका। पुलिस ने बदमाशों को पकड़कर बेनकाब कर दिया और लूट का सामान भी बरामद किया है। इससे व्यापारियों में कानून के प्रति आस्था और मजबूत हुई। व्यापारियों में पुलिस प्रशासन की छवि दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही है, जबकि अपराधी पुलिस की सक्रियता में भयभीत है। पुलिस की यह कार्य प्रणाली न सिर्फ अपराधों पर अंकुश लगाएगी बल्कि अपराधों भी जनपद होने को बेबस हो जाएंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री प्रकाश चंद्र अग्रवाल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी, रामजी अग्रवाल, जिला महामंत्री सुशील दुबे, रतन गुप्ता, यतीश स्वरूप सक्सेना, शैलेंद्र गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, वेद प्रकाश राठौर, मुन्ना गुप्ता, राकेश कौशल, सबलू भैया, सत्यनारायण वर्मा, प्रियांशु गुप्ता, अनुराग गुप्ता, भूरा कठेरिया, संजय गुप्ता, विकास गुप्ता सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने 7 दिनों के अंदर इतनी बड़ी घटना का राजपास किया है, तो पुलिस की कार्य प्रणाली क्या कहना चाहेंगे आप? हम पुलिस की कार्य प्रणाली जो पुलिस अधीक्षक जी की टीमों लगा करके उन्होंने 6 दिन के अंदर इस कार्य को अंजाम दिया व माल भी बरामद कर दिया और बदमाश भी ढेर कर दिए, इसलिए हम पूरा व्यापारी समाज बहुत ही प्रसन्न है और डिटर भी है। व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण मिला है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि जो हमारे अभी पिछले भी हमारे कप्तान लोग रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। कई चोरियां हमारे कन्नौज की भी पकड़ी है और लेकिन उनका बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन बदमाश सारे पकड़ गए थे और उनकी रिवॉल्वर भी मिल गई थी। वैसे ही आज हमारा पूरा समाज जो कैमरे लगे हैं पूरे जिले में, उससे हमारे पुलिस अधीक्षक जी को या पूरी टीमों को बहुत ही सफलता मिल रही है। व्यापारियों और व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रतिष्ठानों में कैमरे लगवाएं ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम जो हो रहा है। सर, योगी राज में इस समय अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है, आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है योगी जी की कार्यप्रणाली से और हमारे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली से। हम व्यापारी वर्ग बहुत सुरक्षित व डिटर महसूस कर रहा है। धन्यवाद।